अब देखिए यूपी तक लाइव 24/7। 2015 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। उस टाइम पे मैं क्लास 11th के फाइनल्स में थी। पापा की जो डेथ हुई थी बहुत दुर्घटना, बहुत ज़्यादा गलत थी वो, क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पुलिस विभाग के सामने वो घटना हुई थी कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मैं देखती हूँ। तभी मैंने सोचा था कि मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाकर के अपना कुछ योगदान देना चाहती हूँ, ताकि ऐसे केसेस दोबारा ना रिपीट हो। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर इंसान कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। चाहे रास्ते में बड़ी से बड़ी मुश्किलें आ जाएं, वो हर मुश्किल को किनारा कर सफलता प्राप्त कर ही लेता है। इस बात को मुरादाबाद की रहने वाली आयुषी सिंह ने सच कर दिखाया। जी हाँ, UPSC 2022 में आयुषी सिंह ने 62वीं रैंक हासिल की है। उनका चयन DSP के पद के लिए हुआ है। आपको बता दें कि आयुषी सिंह के पिता का नाम योगेंद्र सिंह है, वही योगेंद्र सिंह जिनकी साल 2015 में कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी। आयुषी के पिता योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा का क्षेत्र में जाना पहचाना नाम था। वो मुरादाबाद के डिलारी के ब्लॉक प्रमुख थे। योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा पर हत्या समेत कई गंभीर केस दर्ज थे। वो शूटर रिंकू मर्डर केस में मुरादाबाद की जेल में बंद थे। साल 2015 में कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप रिंकू के भाई सुमित पर लगा था। आपको बता दें कि योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा चाहते थे कि उनकी बेटी पुलिस अधिकारी बने। वो खुद तो सियासत और अपराध की दुनिया में शामिल रहे, मगर उन्होंने अपने परिवार को कभी इसमें शामिल नहीं किया। उनकी चाहत थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बने, मगर अपना सपना सच होते वो अपनी आंखों से देख नहीं पाए। अब बेटी आयुषी ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिखाया। 2015 में मेरे पापा की डेथ हुई थी। उस टाइम पे मैं क्लास 11th के फाइनल्स में थी। पापा की जो डेथ हुई थी बहुत दुर्घटना, बहुत ज़्यादा गलत थी वो, क्योंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पुलिस विभाग के सामने वो घटना हुई थी कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मैं देखती हूँ। तभी मैंने सोचा था कि मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाकर के अपना कुछ योगदान देना चाहती हूँ, ताकि ऐसे केसेस दोबारा ना रिपीट हों। आगे क्या IPS की तैयारी? हाँ, आगे मैंने सोचा है कि अभी इतने ट्रेनिंग पीरियड के बीच का टाइम है, मैं UPSC की प्रिपरेशन करूंगी। अब अपनी तैयारी को लेकर और आगे इस एग्जाम को देने वालों को सुझाव के रूप में आयुषी बताती हैं। मैंने पहले मेंस पे फोकस किया था, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी रैंक या जो भी पोस्टिंग हमारी डिसाइड होती है वो मेंस के बेसिस पर होती है। तो बेसिक बुक्स से मैंने अपनी मेंस पहले कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स से 3 महीने पहले अपनी पूरा प्रीलिम्स पे स्विच करके स्ट्रेटजी बनाई थी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने प्रीलिम्स दिया था, बट मेरा वो 3 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इस बार मेरा पहला मेंस था और फर्स्ट इंटरव्यू था। तैयारी के पीछे की वजह क्या रही है आपकी पूरी? स्टार्टिंग से मेरे पापा चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाऊँ, तो इसीलिए मैंने सोचा। क्लास 12 तक मेरे पास साइंस थी, तो मैंने फिर आर्ट्स में स्विच किया अपने ग्रेजुएशन में, ताकि मैं अपने पापा के सपने को पूरा कर पाऊँ। आयुषी की सफलता ने जहां मुरादाबाद का नाम रोशन किया है, तो वहीं अपने परिवार की पहचान भी बदल डाली। पहले परिवार की पहचान योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा के परिवार से होती थी, मगर अब ये पहचान आयुषी सिंह के परिवार से होगी। आयुषी की सफलता से परिवार में खुशी है और परिवार को बेटी पर गर्व है। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।